नमस्कार दोस्तों, अपन जो ACF एनवायरनमेंट में बोटनी का सिलेबस कर रहे थे उसमें अपन ने प्लांट वायरस के बारे में देखा। इसमें जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस जो अपन ने देख लिया। ये जो वीडियो है ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्लांट वायरस में बचता है एक, वो बचता आपके बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट वायरस। दूसरा एक, प्लांट वायरस जो है वो पौधों में कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, तो इसका एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में रीड साइंस के नाम से है उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि प्लांट वायरस जो है वो पौधों में कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पे आपको अगर नोट्स की PDF लेनी है तो दक्ष साइंस क्लासेस का जो चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर जाकर आप इसके नोट्स ले सकते हैं और एनवायरनमेंट के जो नोट्स हैं वो भी आपको इस पे चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसमें अपन पहला देखते हैं, इसमें जो बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस जो है, इसमें ये चीज देखने से पहले अपन देखेंगे कि जो वायरस है जैसे बैक्टीरियोफाज वगैरह है, तो बैक्टीरियोफाज कितने प्रकार के होते हैं, वो पौधों पर कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा जो प्रायोन्स हैं ये क्या होते हैं, इनको अपन अभी इसमें देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं टाइप ऑफ फाजेज। जैसे अपन बात करें बैक्टीरियोफाज, जिसे बोलते हैं जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी ऐसा वायरस है जो जीवाणुओं का भोजन करता है, यानी उसका भोजन क्या है, उसका भोजन क्या है, जीवाणु है। जो अपने रेप्लिकेशन वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि बैक्टीरिया वायरस जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर आता है और वहां वो लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करता है और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ता है। उसके बाद वायरस का जो DNA है वो बैक्टीरिया की सेल में चला जाता है, वहां पर वो रेप्लिकेट करता है और वहीं पर प्रोटीन बनता है और उसकी जो न्यूक्लिक अम्ल DNA या फिर RNA है उसका गुणन होकर नए बैक्टीरियोफाज यानी जो नए वायरस हैं वो उस बैक्टीरिया में बनते हैं और उसके बाद उसका लाइसिस हो जाता है, यानी उसकी कोशिका भित्ति फट जाती है और वो जो वायरस हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं और उनकी संख्या में गुणन हो जाता है, द्विगुणन की अवस्था जो है इसमें इस प्रकार होती है। जीवाणुभोजी नाम किसने दिया, ये नाम दिया डी हेरिल ने। जीवाणुभोजी नाम किसने दिया, डी हेरिल ने दिया। इसके अलावा एक टर्म अपन पढ़ते हैं लेमडाफाज। लेमडाफाज ये नाम किसने दिया, लोफ ने दिया। लेमडाफाज नामकरण किसने दिया, लोफ ने दिया। इसी प्रकार ऐसे वायरस जो शैवाल को भोजन के रूप में काम लेते हैं यानी उस पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, साइनोफाज। साइनोफाज ऐसे वायरस जो शैवाल पर परजीवी होते हैं, शैवाल पर परजीवी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साइनोफाज कहा जाता है। साइनोफाज के खोजकर्ता शेफरमैन व मॉरिस है। खोजकर्ता कौन है, शेफरमैन व मॉरिस। शेफरमैन व मॉरिस ने बताया कि ऐसे वायरस जो शैवाल पर परजीवी के रूप में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साइनोफाज कहा जाता है। एक होता है LPP1 विषाणु, LPP1 वायरस। LPP1 वायरस जो होते हैं, LPP1 वायरस शैवाल की कुछ प्रजातियां होती हैं उन पर ही परजीवी के रूप में रहते हैं, तो उनको नाम क्या दिया जाता है, LPP1 वायरस कहा जाता है। ये जो विषाणु है, ये विषाणु ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल पर परजीवी, नील हरित शैवाल की कुछ
प्रजातियों जैसे लिंबिया लिंबिया परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? लिंग भी इन पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति? ब्लू ग्रीन एल्गी की, लिंबिया पेक्टोनिमा और फॉर्मिडिया। लिंबिया पेक्टोनिमा तथा फॉर्मिडिया पर ये तीनों क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ प्रजातियां हैं, उन पर ये विषाणु जो है परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया? एलपीपी। एलपीपी इनको नाम दे दिया। तो ऐसे वायरस जो इनको इन पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? LPP1 कहा जाता है। फिर है एक्टिनोफाज। एक्टिनोफाज ऐसे वायरस जो एक्टिनोमाइसिटीज पर परजीवी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिनोफाज। फिर है आपके ऐसे वायरस जो यीस्ट पर परजीवी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जाइमोफाज कहा जाता है। जाइमोफाज यीस्ट पर परजीवी के रूप में जो वायरस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जाइमोफाज। माइकोफाज कवक पर परजीवी वायरस क्या कहलाते हैं? माइकोफाज कहलाते हैं। और ये नाम किसने दिया? सिंडन ने। माइकोफाज नाम किसने दिया? सिंडन ने। माइकोफाज नाम किसने दिया? सिंडन ने। नेक्स्ट है, ये तो है नाम करके, जिसमें अपन ने देखा कि बैक्टीरियोफाज जीवाणुभोजी जो है उसका नाम किसने दिया? डी हेरेल ने दिया। माइकोफाज का नाम किस, जो माइकोफाज है उसका नाम किसने दिया? सिंडन ने दिया। इसी प्रकार लेमडाफाज जो है उसका नाम ग्लोफ ने दिया। LPP1 जो है, LPP1 लिंबिया पेक्टोनिमा तथा फॉर्मिडिया जो है इनके नाम पर, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। सैटेलाइट वायरस वो वायरस होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए दूसरे वायरस की आवश्यकता होती है, यानी ये उस वायरस पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे वायरस जो अपनी वृद्धि हेतु अन्य वायरस पर परजीवी के रूप में रहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? सैटेलाइट वायरस कहते हैं। तो सैटेलाइट वायरस के उदाहरण हैं, इनके उदाहरण हैं जैसे CAMV, कैलीफ्लोवर मोजिक वायरस, दूसरा है टोबेको नेक्रोसिस वायरस, टोबेको नेक्रोसिस वायरस तथा ल्यूट्सी मोजेक वायरस, LEUTTCE, ल्यूट्सी मोजेक वायरस, ल्यूट्सी मोजेक वायरस, टोबेको मोजेक वायरस और कैलीफ्लोर मोजेक वायरस जो है ये वायरस कैसे वायरस कहलाते हैं? सैटेलाइट वायरस होते हैं। सैटेलाइट वायरस वो होते हैं जो अपनी वृद्धि के लिए दूसरे वायरस पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
सेटेलाइट वायरस कहा जाता है। तो ये तीन जो है ये आपको याद रखने हैं, सेटेलाइट वायरस कौन से हैं, CAMV, टोबैको मोज़ेक वायरस और ल्यूट सी मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस है ये कैसे वायरस है, सेटेलाइट वायरस है। फिर अपन बात करें वीरियोड, VIRIOD, वीरियोड। वीरियोड्स ऐसे वायरस होते हैं या फिर आप ऐसे कहें कि ऐसे आरएनए के टुकड़े होते हैं जिन पर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। ऐसे आरएनए कण जिन पर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वीरियोड्स कहते हैं। खोजकर्ता कौन है, रेमर और डीएनर, इसके खोजकर्ता किसके, वीरियोड। वीरियोड ऐसे आरएनए कण होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें क्या कहा जाता है, वीरियोड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रायोन्स। प्रायोन्स ऐसे कण होते हैं, ऐसे प्रोटीन कण होते हैं जिनमें आरएनए नहीं पाया जाता और वो रोग कारक होते हैं। प्रायोन्स, प्रायोन्स के खोजकर्ता प्रूजिनर है। खोजकर्ता कौन है, प्रूजिनर। प्रायोन्स ऐसे प्रोटीन कण जिनमें आरएनए नहीं पाया जाता, उन्हें क्या कहते हैं, प्रायोन्स कहते हैं। प्रायोन्स के कारण भेड़ में स्क्रेपल रोग होता है। किसके कारण होता है, प्रायोन्स के कारण ही भेड़ में स्क्रेपल। व्यूसाइड की, व्यूसाइड ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायरस की वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीरुसाइड। VIRUCID, वीरुसाइड। वीरुसाइड ऐसे पदार्थ हैं जो वायरस की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे जो इंटरफेरोन होते हैं, इंटरफेरोन क्या होते हैं, वीरुसाइड होते हैं। इंटरफेरोन ऐसी कोशिकाओं से निकलते हैं जिन पर वायरस अटैक करता है, तो वायरस जिन कोशिकाओं पर अटैक करता है उनसे इंटरफेरोन निकलता है और ये इंटरफेरोन जो है वो वायरस को नष्ट करने का काम करता है। जैसे मनुष्य में कुछ कोशिकाओं से इंटरफेरोन निकलता है, तो ये इंटरफेरोन जो होता है ये वायरस को नष्ट करने का काम करता है, तो उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, वीरुसाइड्स कहते हैं। अब अपन बात करें कुछ ऐसे वायरस, कौन से वायरस, प्लांट वायरस, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है और आरएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अपन ने पहले वाले लेक्चर में ये देखा कि प्लांट वायरस जो होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ अधिकतर क्या पाया जाता है, आरएनए ही पाया जाता है। लेकिन कैलीफ्लोर मोज़ेक वायरस CAMV जो कि अपन ने देखा अभी सैटेलाइट वायरस होता है, उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी पाया जाता है। तो ये एक अपवाद है CAMV जिसमें क्या पाया जाता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। दूसरे ऐसे जैसे राइस ड्वार्फ वायरस, इसमें आरएनए पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। इसके अलावा जो वाउंड ट्यूमर वायरस, इसमें भी आरएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड ही होता है। वाउंड ट्यूमर वायरस में आरएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें आरएनए क्या होता है, इसमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है।
तो ये जो अपवाद है CAMV, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे जो वायरस है इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। वायरस जो है इनके बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका, वायरस का। वायरस का बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, पहला इसका उपयोग तो यह है कि वायरस का उपयोग वायरस को मारने के लिए ही किया जाता है, वैक्सीन के निर्माण में वायरस का उपयोग किया जाता है, वैक्सीन के निर्माण हेतु वायरस का उपयोग किया जाता है और इससे वैक्सीन बनती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन जो है उसमें पोलियो का ही वायरस होता है लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट उसको कर दिया जाता है। तो वैक्सीन के निर्माण के लिए वायरस का प्रोटीन काम में ले सकते हैं, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, या फिर वायरस को अधिक ताप पर गर्म करके उसको एक्रिय कर दिया जाता है, तो उससे क्या बनती है, वैक्सीन बनती है। दूसरा इसका उपयोग है वायरस जैसे LPP1 व SM1, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनको साइनोफाज बैक्टीरियोफाज कहते हैं एक तरह से, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, साइनोफाज। ये जो साइनोफाज हैं ये क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम को रोकने का काम करते हैं। तो जल प्रस्फुटन को रोकते हैं जिसे अपन एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, उसको रोकने का काम ये कौन करते हैं, ये वायरस करते हैं। ये क्या करते हैं, इन ब्लू ग्रीन एल्गी को ही का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए इनको नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए LPP1 और SM1 का जो उपयोग किया जाता है ये वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम के लिए इनका उपयोग किया जाता है, वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा हर्से व चेज ने, हर्से व चेज ने जीवाणु भोजी का उपयोग यह सिद्ध करने के लिए किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसका उपयोग इन्होंने कैसे किया, जैसे बैक्टीरियोफाज जो है उसके गुणन की तीन विधियां हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। जीवाणु भोजी के गुणन की तीन विधियां कौन सी हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, इनके द्वारा ये गुणन करता है। और इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए क्या है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो अगली पीढ़ी में आनुवंशिक गुण को लेकर जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग जो गंगा नदी है, गंगा नदी का पानी जो है वो काफी दिनों तक खराब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया जो है, अपन अगर 100 साल भी उस पानी को रख लें तो वो पानी कभी भी खराब नहीं होता, उसमें दुर्गंध नहीं आती। उसका कारण यह है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। गंगा नदी का पानी जीवाणु भोजी के पाए जाने के कारण कभी खराब नहीं होता, तो ये हैं बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ वायरस। वायरस के ये बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस है।
इसमें आपको याद ये रखना है कि वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम को रोकने के लिए LPP1 या SM1 साइनोफाज का उपयोग किया जाता है। हर्से और चेज ने बैक्टीरियोफाज का उपयोग किया था आनुवंशिक पदार्थ DNA का पता लगाने के लिए, और गंगा नदी जो है वो बैक्टीरियोफाज के कारण ही जो है वो प्रदूषित नहीं होती है, उसमें बैक्टीरिया जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते। तो ये है आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ